नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त के सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद नेता अरविंद केजरीवाल से। अरविंद जी, वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल, एक बड़ी क्यूरियोसिटी है, वो सवाल सबसे पहले पूछूंगा और सीरियसली पूछ रहा हूँ, सिंसियरली पूछ रहा हूँ, आपका IQ कितना है? मैंने कभी नापा नहीं है, एक आम आदमी जितना एक आम आदमी का IQ। मुझे डर था कि आप आम आदमी वाला बोलेंगे। और इस देश के आम आदमी का IQ बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिक्स में चर्चा चलती है कि चिदम्बरम का IQ बड़ा शार्प है, तो जिस प्रकार का आपने एक परफॉर्मेंस पिछले एक साल में रखा है, अनबिलीवेबल था। लोग बिल्कुल स्टंड थे, लगा था कि एक बड़ा सीरियस पॉलिटिकल रिफॉर्म शुरू होगा। उसके बाद चूंकि दिल्ली की सरकार बनी और चर्चाएं चली, तो एक कुछ विवाद हैं जिस पर हम लोग आएंगे। आप लोगों से जो हमको सबसे ज्यादा जिज्ञासा है, हमारे दर्शकों को, वो ये है कि आर्थिक नजरिया क्या है, इस पर थोड़ी बातचीत साफ हो जाए। कुछ चीजें आप लोगों ने बोली हैं, लेकिन एक कोई इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट आने वाला था, मैनिफेस्टो आने वाला था, डाल दिया वेबसाइट, उसमें देर हो रही है, डाल दिया वेबसाइट पे, 4-5 दिन पहले डाल दिया। ओके, तो उसको आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके नहीं बताया? नहीं, प्रेस रिलीज दी थी। ओके, पर हम लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, मैं दिल्ली में रहता ही नहीं हूँ। अरे, तो ये हमसे पता नहीं कैसे मिस हुआ। हाँ, आप ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो CII में कहा था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, अगर उसको ध्यान में रखें तो एक दो चीजें हैं जो अभी के वक्त को डिफाइन करेंगी कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। वो ये कि जो सरकारी PSUs हैं, क्या उनमें डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि आज तक इस देश के अंदर जब जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई तो वो इससे शुरू हुई कि जो लॉस मेकिंग है उसको डिसइन्वेस्ट करो, और जब एक्चुअली डिसइन्वेस्ट करने की बात आई तो जो नवरत्न थे और जो सबसे प्रॉफिट वाले थे उनको डिसइन्वेस्ट किया गया। दूसरी चीज ये हुई कि जब उनको डिसइन्वेस्ट किया गया तो उसको डिसइन्वेस्ट करने के पूरे प्रोसेस के अंदर इतना घपला हुआ कि पूरा प्रोसेस ही वो हो गया। तो मेरा अपना ये मानना है कि जहां जहां इन प्रिंसिपल, बिकॉज एक स्वीपिंग ब्रश से वो नहीं करना चाहिए, जहां जहां प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन पॉसिबल है वहां वहां आप उसको प्राइवेट सेक्टर के जरिए छोड़ दीजिए। जो जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सुरक्षा है, न्याय है, ये वाली चीजें सरकार को करनी पड़ेंगी। जहां जहां मोनोपोलीज हैं और कंपटीशन पॉसिबल नहीं है वहां सोचने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वहां पे प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज एक और भी बड़ा राक्षस बन के खड़ा हो जाता है, जो कि सरकार से भी ज्यादा, सरकार भी खराब है लेकिन प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली उससे भी बड़ा राक्षस है। वहां एक दूसरी तरह की सोच लानी पड़ेगी। नहीं, इसमें मूल मुद्दा यह है कि अभी हमको लगता है कि जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज और जॉब क्रिएशन करना है और बहुत ज्यादा पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो PSUs जो है बहुत ही इनिफिशियंट है, और उसमें सरकार को अपना मालिकाना हक छोड़ना होगा, यानी 51% से नीचे लाना होगा। कई जगह करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कई जगह करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, कई जगह करने की जरूरत पड़ेगी इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, मैंने प्रिंसिपल्स डिफाइन कर दिए। मान लीजिए एक PSU ऐसी है जो कि ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो मोनोपोलिस्टिक है नेचर में, उसको प्राइवेट करने के पहले सोचना पड़ेगा, बिकॉज आप प्राइवेट को दे दोगे वो और भी ज्यादा, तो वो प्रिंसिपल्स मैंने ले डाउन कर दिए। इंडिया में जिस प्राइवेट सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, आपके व्यूज मैंने सुने हैं, जिस तरह के ग्रोथ की जरूरत है वो प्राइवेट सेक्टर के बगैर पॉसिबल नहीं है। मैं तो आप, ये तो मुद्दा ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर का। इस देश के अंदर बहुत जबरदस्त क्रिएटिविटी है, बहुत जबरदस्त एंटरप्राइजिंग स्पिरिट है लोगों की। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भारत जो है वो एंटरप्रेन्योर्स का देश है, बिजनेस करने वालों का देश है। इसमें एक गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है वो भी बिजनेसमैन है, देश का किसान भी बिजनेसमैन है, और किसान सबसे हाई रिस्क बिजनेस करता है जिसमें कब ओले पड़ जाएं और कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है उसका, और एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बिजनेसमैन है। दिक्कत ये हुई है कि सरकारों ने लोगों की स्पिरिट को जकड़ के छोड़ दिया है। कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई कुछ करता है तो सरकार कहती है नहीं ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर, ये क्यों कर दिया तुम, ये क्यों कर दिया तुमने। अगर ये सरकार को लोगों की कमर से उठा लो, इफ यू टेक देम आउट ऑफ देयर बैग्स, तो जनता की जो स्पिरिट है वो ऐसे मतलब अनलीश कर सकते हो आप उस पूरी एनर्जी को कि जॉब्स भी क्रिएट होंगे, और जनता, हमारे देश की जनता जो है मुझे लगता है कि इस दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आपके कई जगह विचार ऐसे आते हैं, पिछले दिनों मैंने बहुत सारे उन लोगों से बात की जिनसे आपने भी बातचीत की, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में आप चूंकि कुछ अलग बोल रहे हैं तो उन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है जिनको लगता है कि शायद ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं 2014 के चुनाव के बाद, तो आपकी पॉलिसीज के बारे में क्लैरिटी उनको बहुत जरूरी है।
फॉर एग्जांपल एक तरफ तो आप बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का रोल है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के बारे में जो आपकी एक आलोचना है उससे ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को आप एक ब्रश से कह रहे हैं कि ये सब गलत। क्रोनी कैपिटलिज्म, मैंने बार बार बोला कि हम क्रोनी कैपिटलिज्म के, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो बेईमानी से आज जानबूझ के धंधा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर जो ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी बनी हुई है कि उनको बिना रिश्वत के काम नहीं चलता। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, 99% लोग इस देश के ईमानदारी से बिजनेस करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। 1% लोग ऐसे हैं जो आज इस व्यवस्था का दुरुपयोग करके जी, और चाहते हैं कि यही व्यवस्था कायम रहे। बिल्कुल ठीक है, मैं उनके खिलाफ हूं। मैं कहां से आ रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात को कोट करूंगा। आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि देखिए प्राइवेट सेक्टर वाले पर मैं अपनी राय नहीं दे रहा था क्योंकि अगर वो मैं राय दूंगा तो उससे मिडिल क्लास नाराज हो जाएगा। ना मैंने तो कोई एक बात आपकी ऐसी है ना, जो ना, आपको ना, लगता है आपको नहीं कहना चाहिए? ना 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 ना, मैं आपको बता देता हूँ उसका, वो जो जिक्र कर रहे हैं आप जिस बात का, एक्स वाई जेड इंटरव्यू में वो एंकर मुझसे ये कहलवाना चाहता था कि मैं सारे कॉरपोरेट सेक्टर को एक ब्रश में ये कहूँ कि सारे हम सबके खिलाफ हैं। मैंने ये कहा मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि हम भ्रष्ट कॉरपोरेट सेक्टर के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। एक उसने 3-4 बार प्रश्न पूछे इस तरह से घुमा घुमा के कि मैं ये कहूं कि सारा कॉरपोरेट सेक्टर खराब है। मैंने कहा नहीं, कॉरपोरेट सेक्टर खराब नहीं है, कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर बदमाश है। उस परिपेक्ष में मैंने उसको बोला था कि अब इस प्रश्न को आप यहीं छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए, मैं इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। दूसरा इशू सब्सिडी का बड़ा भारी है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जो बिल्कुल तोड़ मरोड़ रहा है वो इसी पॉलिटिकल क्लास के डिस्टॉर्शन की वजह से सब्सिडी के कारण है। आपकी बातों से कई बार लोगों को ये डर लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्टेटिस्ट नजरिया रखने वाले व्यक्ति हैं, और अगर आप सब्सिडी का पैसा, जो कि मेरा पैसा है जो प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो सकता है, उसका इस्तेमाल अगर फ्रीबीज में होगा तो बड़ा गलत होगा। सब्सिडी पर आप अपना नजरिया साफ करिए। नहीं, सब्सिडी तो होगी और पूरी दुनिया में हर देश में सब्सिडी है, एक भी देश ऐसा नहीं है जहां पे सब्सिडी नहीं है। कोई भी सरकार, उसका पहला काम होता है जिन लोगों को, एक बड़ी अच्छी कहावत है, देयर शुड बी मोर इन लॉ फॉर दोज हु हैव लेस इन लाइफ। जिनको भगवान ने जिंदगी में कम दिया है उनको कानून और सरकार को ज्यादा देने की ड्यूटी बनती है। तो अगर किसी के घर में पैसा नहीं है और हम कहें भाई पानी तो खरीद के ही पीना पड़ेगा आपको, तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो पानी नहीं पिएगा क्या? पानी तो पिएगा। बिल्कुल ठीक है, जिंदा कैसे रहेगा? तो अगर सरकार ये कहे भाई एक लाइफलाइन वाटर हम तय कर देते हैं, 10 किलोलीटर्स पर मंथ, 5 किलोलीटर्स, उस पर बहस हो सकती है। आप कहेंगे 5 होना चाहिए, मैं कहूँगा 10 होना चाहिए, पर एक लाइफलाइन वाटर तो होना चाहिए ताकि जो गरीब आदमी है वो भी पानी पी सके। देखिए इसमें इशू ये है ना कि बिल्कुल गरीब लोगों को जो टारगेट जो लेकिन मिलना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे जनता को एक तरह से भिखमंगन वाली उस पे ले आए हैं हम लोग। जैसे मतलब आज अगर आप किसी उसमें जाएं, किसी गांव में, मैं कई बार गांव में जाता हूं तो वो कहते हैं जी मेरा, अच्छे अच्छे मतलब संभ्रांत परिवार के लोग, जी बीपीएल में नाम नहीं आया मेरा, बीपीएल इस बात की होड़ लगी हुई है कि मुझे गरीबों की लिस्ट में मेरा नाम डलवाइए। गरीबों की लिस्ट में नाम आना तो एक गलत बात है कि मैं गरीब हूं, लेकिन होड़ लगी हुई है कि गरीबों के लिए यहां पर, चूंकि